लोग तैयार हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लो। सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपये भी सैलरी है, 100 रुपये होंगे, 1000 रुपये सैलरी है, 900 रुपये खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपये होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है। ठीक है, अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं, एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब मैं एक बता देता हूं, पर वैसे ये बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है, इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में ये मादा नहीं होता क्योंकि बिजनेस के लिए रिस्क भी बड़ा होता है, डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। क्यों? एक तो बिजनेस का आइडिया सेलेक्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, 100 रुपये से तो काम चलेगा नहीं, है ना, 100 रुपये से काम चल भी सकता अगर हम लोग यही सोचें कि चलो चाय की थड़ी खोल लेते हैं, चाय की थड़ी में क्या लगता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधार लिया तो चल सकता है, बट दैट इज अ स्मॉल बिजनेस। बट अगेन, बड़े बिजनेस के लिए आपको बड़ी टीम चाहिए, ठीक है, आपको इनकी बारीकियां पता होनी चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस वाला काम तो बनेगा नहीं हाल फिलहाल तो। और बिजनेस ऐसी चीज है, बाहर निकल के कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो अलग बात है, पर बिजनेस के रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? तो और इतना समय भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस में, समय भी बहुत लगता है, इतना सो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो? अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, आप FD में डाल दो, RD में डाल दो, PF में डाल दो, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है, अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो वैसे FD में बहुत कम रिटर्न मिलते हैं, HDFC में बात करूं या फिर ICICI की बात करूं, जो भी बैंक है, 5% की रिटर्न है टोटली, जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत कम रिटर्न है, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है, इससे ज्यादा तो महंगाई हो चुकी है, तो वो रिटर्न ना के बराबर है। हाँ, इसमें लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन सॉरी, हाँ, रिस्क लो है, रिस्क फ्री है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। FD में अगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से आपको काम आ जाता है, वो ऐसा रखा कि चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है तो वो कुछ नहीं करने वाला, FD RD से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार, गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड के लिए कहाँ से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है, प्रॉपर्टी के लिए कहाँ से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी क्या 100 रुपये में, नहीं आएगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की एक एरिया है, बट इन दैट केस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव बहुत है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है, म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है, यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है, ये लेस रिस्की है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर एवरेज रिटर्न मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, SIP कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 7% से लेकर 15-18% तक रिटर्न मिलते हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। 18% मिलगी तो वैसे बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पर इतना रिटर्न नहीं है, बट यहाँ पर आप थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है, अगर आप 100 रुपये हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए, इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके, 1, 2, 3, 4, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है, इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट डायरेक्टली।